हेलो। हाँ तो हम लोग जो सातवीं का स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा जो न्यू पैटर्न है क्लास टेंथ में, उसका एक टॉपिक है, उसी के बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण होता क्या है, मैं इसको नीचे लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। द्विघात समीकरण एक्चुअली में है क्या, तो मोटे तौर पर डेफिनेशन देखी जाए तो सिर्फ हम लिखाएंगे नहीं, डेफिनेशन हम बता रहे हैं। कुछ इस कैटेगरी का द्विघात समीकरण होता है इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा द्विघात समीकरण है। क्यों यही क्यों द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण इस वजह से है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर जो उच्चतम घात एक्स की है वो दो है, मतलब क्या हुआ उच्च घात। तो जो उच्च घात होती है अगर वो उच्च घात दो है हमारी तो वो हमारा द्विघात समीकरण हो जाता है, ये हम लोगों ने बहुपद में सीखा था। अब अगर हम लोग समीकरण की बात करें, समीकरण क्यों कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक की अगर बात देखी है तो ये तो हमारा बहुपद हो गया ना। अगर किसी बहुपद के सामने कोई एक इक्वल में जीरो चलने लगे या फिर इक्वल टू में या फिर बराबर में कुछ चीजें आ जाए तो वो हमारा समीकरण कहलाने लगता है, बस इतनी सी बात है। तो क्या निकल के आया कि कोई भी एक ऐसा बहुपद या कोई ऐसा समीकरण जिसमें उसकी उच्चतम घात दो है तो वो हमारा द्विघात समीकरण कहलाता है, रूप इस टाइप का होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके नेक्स्ट क्या है इसका, अब हम लोग इसकी बात करते हैं इसके शून्य कितने होंगे। तो शून्य क्या होता है, एक्स के वो मान जो इस समीकरण को जीरो कर दें। तो जितनी उच्च घात होती है उतने ही मान होते हैं, यदि हमें पता होना चाहिए। तो उच्च घात कितनी है दो, तो इसके शून्य कितने होंगे दो, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मतलब कि जितना जितनी घात है उसी के उतने ही शून्य कहलाते हैं, शून्य को ही हम लोग मूल बोलते हैं। तो इसके मूल कितने हो गए दो, और इंग्लिश में इसे रूट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो द्विघात समीकरण में क्या क्या अभी पढ़ने को मिला कि जो हमारा द्विघात समीकरण होता है वो हमारा उसकी उच्चतम जो घात होती है वो हमारी दो होती है, उसके शून्य भी दो होते हैं। अब इनको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कि अगर कोई द्विघात समीकरण लिखा है अगर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x की जो वैल्यूज है वो दो आएंगी। अब क्या आती है, एक हम लोग अल्फा मान लें एक बीटा मान लें, एक अल्फा आएगी और एक बीटा आएगी, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो केवल माना इमेज करके चल रहे हैं क्योंकि गणित तो माने मतलब लेट पे ही तो डिपेंड है, सपोज पे ही तो डिपेंड है। ओके नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण को सॉल्व करते हैं और यहाँ से x की दो वैल्यूज निकाल देती हैं, इन्हीं को हम लोग मूल बोलने लगते हैं। तो हमारे मूल अल्फा और बीटा कितने मूल है, दो मूल है। ये हमारा द्विघात समीकरण के कुछ बेसिक फंडे हैं। तो इसके जगह हमारा कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोगों ने पिछली बार 5x² प्लस 9x ले लो प्लस 3 ले लो इक्वल टू 0 ले लो, तो ये एक द्विघात समीकरण है। अब इसके फैक्टर करेंगे होंगे या नहीं होंगे मालूम नहीं, अभी हम लोगों ने ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, अभी केवल हम लोग केवल थोड़े बहुत मोटे तौर पे पढ़ रहे हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। हम लोग ये ले रहे हैं 5x² प्लस 5x + 6, अब हम लोग इसके जब फैक्टर करेंगे तो एक ब्रैकेट में हमारा 3 आएगा और दूसरे ब्रैकेट में 2 आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू अगर निकालनी है तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 कर लेंगे और दूसरी जो वैल्यू आएगी वो एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगी, तो एक एक्स बराबर -3 आ जाएगा और एक एक्स बराबर -2 आ जाएगा। तो शून्य जो हमारे हो गए वो एक्स बराबर -3 होगा या -2 होगा, इन दोनों में से कोई होते हैं। तो ये हमारी कुछ द्विघात समीकरण की बारे में हो गया जो परीक्षा के टेस्ट में अभी पहले ही दिन का है और हम लोग इसकी सीरीज चलाएंगे। ओके धन्यवाद।